क्या तुम जानते हो कि यदि तुम अपनी श्वास प्रणाली में परिवर्तन कर सके तो तुम अपनी यौन ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हो और अपने क्रोध का भी। यदि तुम अपनी श्वास प्रणाली में बदलाव कर सके तो परिवर्तित किया जा सकता है। बस देखो कि जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम कैसे श्वास लेते हो, और अगली बार जब तुम्हें क्रोध आए तो वैसे श्वास ना लो जैसे तुम हमेशा क्रोध में लेते आए हो, और तुम हैरान रह जाओगे कि तुम क्रोध में नहीं रह पाओगे। यदि तुम एक निश्चित तरीके से श्वास नहीं लेते तो क्रोध का समर्थन नहीं होता, इसलिए क्रोध गायब हो जाता है। क्रोध की जगह करुणा उत्पन्न होती है, और इसी तरह सेक्स गायब हो जाता है, और सेक्स की जगह प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम पूर्णतः मानवीय है। सेक्स केवल मानवीय नहीं है, ये पशुओं में भी है, लेकिन कोई भी पशु प्रेम के बारे में नहीं जानता। सेक्स पशुवत है, प्रेम मानवीय है, प्रार्थना दिव्य है। सेक्स को प्रेम में बदलना होगा और प्रेम को प्रार्थना में। सेक्स में श्वास अव्यवस्थित हो जाती है, इसलिए सक्रिय ध्यान का उद्देश्य है, ये कैथार्टिक है। एक अव्यवस्थित ध्यान, अव्यवस्थित श्वास तुम्हारे दबे हुए गुस्से, सेक्स, लोभ, ईर्ष्या, घृणा को प्रहार करता है और उन्हें सतह पर ले आता है। ये एक महान शुद्धिकरण प्रक्रिया है। सेक्स में श्वास अव्यवस्थित होती है, प्रेम में श्वास संगीत में होती है, प्रार्थना में लगभग रुक जाती है, इसलिए अपनी श्वास पर ध्यान दो। यदि तुम इसे सुन सकते हो तो इसका अर्थ है कि ये बहुत छिछली है। यदि तुम केवल इसे महसूस कर सको और इसे सुन ना सको तब ये शांत और स्थिर होती है, और यही सही तरीका है अस्तित्व के साथ तालमेल में होने का, अपने आप में तालमेल में होने का, वास्तविकता के साथ तालमेल में होने का। और जितनी ये शांत होती है उतनी ही तुम गहरे होते हो। जब कभी कभी ये रुक जाती है, और ये रुकती है जब श्वास रुक जाती है, तो तुम्हें लग सकता है कि कहीं तुम मर तो नहीं जाओगे। डरो नहीं, अगर श्वास रुक जाए तो इसकी चिंता मत करो, इसके होने को जियो, इसका आनंद लो, तुम मर नहीं जाओगे। श्वास के इस विराम में ही तुम वास्तविकता के सच्चे रूप को जानोगे, तुम अनंत जीवन को जानोगे, तुम्हें कुछ ऐसा ज्ञान होगा जिसमें मृत्यु का कोई स्थान नहीं है। यदि श्वास रुक जाती है तब सच्ची श्वास प्रकट होती है, सच्चा जीवन प्रकट होता है, जीवन जो श्वास पर निर्भर नहीं है, जीवन जो अनंत है, जीवन जो शरीर का हिस्सा नहीं है, जीवन जो तब भी रहेगा जब शरीर धूल में मिल जाएगा और गायब हो जाएगा, और उस क्षण में चेतना प्राप्त होती है, व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। बुद्ध का अर्थ है पूर्णता, सचेत, जागृत। ठीक श्वास तुम्हें सही मानों में जीवंतता का अनुभव देता है, तुम्हारी श्वास का संगीत तुम्हारी चेतना को उघाड़ता है। प्रणाम।